इसको चौरा भी बोलते हैं, झोपड़ी भी बोलते हैं, छप्पर भी बोलते हैं, गोपा भी बोलते हैं, तीन चार नाम है इसका। गर्मी में जब इधर अंदर बैठते हैं तो ठंडक महसूस होती है, जब सर्दी की वजह से इधर अंदर बैठते हैं तो गर्मी होती है, सर्दी हमें ठंड महसूस नहीं होती इधर अंदर इसके। हमारा चुलुस्तान का इलाका है, इस टोबे का नाम है मेढ़े वाली, इधर ही रहते हैं। जब बारिश होती है, बारिश के पानी के वजह से इधर आ जाते हैं, माल मवेशी पाला हुआ है, इधर आ जाते हैं, गुजर बसंत इधर हो जाता है। जब बारिश होती है तो आते हैं, जब बारिश नहीं होती तो फिर उधर ही होते हैं आबादी में। इसमें मुख्तलिफ जो है ना लकड़ी इस्तेमाल होती है, एक तो करी का दरख्त है, अक का लकड़ी भी होता है, कंडा है, किक्कर है, उस दरख्त का लकड़ी भी इस्तेमाल होता है। दूसरा जो खेप है, जो ऊपर से जो कचरा डाला हुआ है, बहुत गर्मी में ठंडा होता है और सर्दी में गर्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसंत चल रहा है इधर, रोई के कच्चे घर ये हमारे लिए अच्छे हैं। पैसा तो नहीं लगता हम, लेकिन लकड़ी 8-10 दिन लगते हैं इसको, आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी इसको लेके आते हैं, जमा करते हैं, जमा करके फिर एक ही दिन में घर तैयार कर लेते हैं हम लोग। एक फैमिली के लिए एक ही बनाते हैं, लेकिन दूसरा मेहमान आने की वजह से फिर एक झोपड़ी और भी गोपा बनाना मांगता है। जो माल मवेशी वाले आदमी वो सब इधर रहते हैं इकट्ठे, लेकिन महसूस नहीं होता जो ये एक ही कबीले के हैं, एक ही खानदान के हैं या मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में रहते हैं। क्यों दादे से ये रूही, ये चुलस्तान, ये टोबे, ये माल, ऐसे समझो कि कैसे, नौकरी भी यही है, तनख्वाह भी यही है, सब चीज़ इस माल के ऊपर है।